I proudly announce Mr. Ram to be our SCP. Mr. Sami to be our SCP. Are you happy, Ram? बिल्कुल नहीं. प्रेशर होते हुए भी जब शिवा रेड्डी को हराऊंगा, सलाखों के पीछे डालूंगा, तब मैं खुश होऊंगा. यस राम, चाहे प्रेशर कितना भी हो, मैं पीछे नहीं हटना चाहिए. शिवा जैसे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए. सबका खुलासा करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा. गुड लक. चुप रहेंगे क्या? इसे पकड़ कर ऐसे फेंकेंगे. यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? बस पे पहुँच गया. तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूंगा. ऐसे क्यों फेंक दिया तूने? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को बिगड़ता हुआ देखू. लकी का बेटा कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए, जो अंबानी बनने का सपना देखे. फालतू चीजों का टेंशन लेते हो बड़े भाई. देखो आप जाकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ, शाम को मिलूंगा. ये आपका बड़ा बेटा है, सच में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है. तुम्हें ऐसा लगा? मेरी बदकिस्मती, एक बार हमारे होटल आया था, दो चाय लाता, अगले दिन फिर आया, चार चाय देना. वो इतने दिन से आ रहा है तो प्यार से एक शब्द बोल दिया, तब से हमसे जुड़ गया. ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जी? फ्लैशबैक देखो. कैसे हो बेटा? क्या कहा? कैसे हो बेटा, ये पूछ रहा. मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहा, लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा. आज आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है, तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई. बड़े भाई, रो मत, रो मत. और आज से आप मेरी भाभी हुई और तू मेरे बेटे जैसा. ये होटल एक मंदिर है, हमारा रिश्ता अटूट है. आप दोनों राम सीता और मैं लकी. ये देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है. उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनाकर मेरी बजा रहा है. जब उसे भूख लगती है, जरा ऊपर देखो, मेरी चाय की दुकान उसके लेने से कॉमन जाता है. अपने दोस्तों के साथ जब दारू पीनी होती है तो ये बार बन जाता है. जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है. ना चाहते हुए भी हमारी तीन की फैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है. उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है. इसको समझना इतना आसान नहीं है. ब्रह्मा भी बना के कंफ्यूज हो गया होगा. इधर क्या लिखा है? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. ड्राइव नहीं करेगा तो चले जाएगा. हट साला, लॉजिक वाला तोड़. भैया, ओह माय गॉड. कॉफी बनाओ. माँ चाय. हाँ पहले चाय बनाओ. इसकी तो जलता है. राजनीति में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड्डी. साला चोर क्या कदम रखेगा, खा जाएगा सब. गुंडे भी अब राजनीति में घुस जाएंगे. पुलिस क्या कर रही है? ए, कुछ भी छापते हैं. अरे बाप रे, 500 रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया कॉन्स्टेबल. वेरी चीप चाय. चोरी के पीछे ऐसा का हाथ दी. मंगला पेपर हटा दो यार यहाँ से, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा. सुबह सुबह पेपर उठाकर देखो तो चोरी, पुलिस, ये सब क्या है? ओह माय गॉड, मैं तो घर पर बैठकर पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ, लेकिन पुलिस की नौकरी करना ना. बाबा अब इसका क्या फायदा?
क्यूट, कितना मजा आ रहा है। गोली और बंदूक भी फेंक दे। ये क्या है? दे दिया था। हाँ भूल जाती हूँ। बादाम का उपमा पापा के लिए दे आओ। मेरे पापा को बादाम का उपमा पसंद है, लेकिन उनके बेटे को उपमे के अंदर के बादाम पसंद है। ठीक वैसे जैसे माँ ने बनाया। बादाम और उपमा, अंदर कोई है? समंदर पापा, बादाम वाला उपमा। बादाम में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वो वहाँ रखते हैं, तेरे लिए नहीं है। पापा वो बात क्या है बता। वो क्या है ना, वीसा। किस लिए? मेरी अमेरिका जाने की तमन्ना है। तो तुझे पैसे की जरूरत है? पैसे की बात नहीं है पापा, वीसा के लिए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। तेरा मस्का पॉलिश मुझे मत लगा, पैसे चाहिए तो भैया से मांग ले। वो कमीना क्या पैसा देगा? क्या कहा तूने? गाली दी आपको? कितनी बार कहा था गाली मत देना। ये क्या सिगरेट इतनी कैसे हो गई? पापा मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ बोल। आप सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जो मेरी सिगरेट पीता उससे तेरी तबीयत। भागो यहाँ से। वालों की दो नहीं चार आंखें होती है। हैरी पॉटर, शहर में बहुत क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। मेरे दोस्तों को मारने में क्या बहादुरी है? आवारा की तरह इधर उधर मटर कश्ती करता रहता, घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता। ऐसे कामों के लिए पैदा नहीं हुआ। शर्म नहीं आती तुझे? आती है ना तुझे भाई बुलाने में। तुम दोनों फिर शुरू हो गए? तुमसे अच्छे तो वो टॉम एंड जेरी है, कुछ समय तो मिलकर रहते। राम तुम जाओ। अरे वाह, कितनी मोहब्बत है इन दोनों में। ये दोनों कब मिलकर रहेंगे? अब तो इतने बड़े हो गए हैं ये दोनों, फिर भी झगड़ते हैं। मजाक में ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन राम लक्ष्मण सच में झगड़ने लगे फिर क्या होगा? तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो तू कैसे रिएक्ट करेगा? ये होता है रेगुलर रिएक्शन। पर वो साली तो सुसु करके निकल गए। करेक्ट है, करेक्ट। दिखने में तो परी जैसी लगती है, लेकिन एकदम अलग। चुप है, बैठो बैठो। इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग? पुलिस वाले अपने घर में अपने पैसों से मम्मी डैडी जाने के बाद अपन पार्टी दे रहा है, पुलिस वाला क्या करेगा? लाइव एंजॉय करने का तो लकी की तरह फिट फूट होने का। साला कुछ लोग को तो जीने का कैसा वो ही नहीं मालूम। उनके दोस्त नए हैं, उनका आइटम नए है, एंजॉय करना नहीं आता। ऐसे लोग को देख के बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों के लिए एक बार चेयर्स। ए वर्मा, इमीडिएटली अपने साथियों को लेकर मेरे घर आ जाओ। ओके सर। इमीडिएटली। तुम सब लोगों को मैं पार्टी दे रहा हूँ, अब हम सब फ्रेंड्स हैं। सर। ए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज हम सब लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय का मतलब क्या होता है, आज हम लोफर गैंग को दिखा देंगे। वहाँ पर चीप शराब, यहाँ पर कॉस्टली स्कॉच। थैंक यू सर। पहली बार दारू पी रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अपने साथ तो सुधर गए। चीयर्स। हम लोगों को देखकर रोएंगे। तुम लोग को देखकर रोऊंगा। अभी देखता हूँ कौन रोएगा। हेलो। दारूडा। ए मानसी, हमेशा डिस्को डिस्को करती रहती है ना, आज घर पर डिस्को करेंगे। दोस्तों को लेकर यहाँ आ जा। गुड मॉर्निंग सर। यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है तुमने, इस तरह दारू पीकर इन लड़कियों के साथ नाच गा रहे थे तुम लोग। पुलिस वालों की नाक कटवा दी तुमने। तो भाई राम, सर ये सब क्या है? सर तुम ऐसा कुछ बेहुदा काम करोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता। भला उस आदमी का जिसने मीडिया के बजाय मुझे फोन किया। आपको समझो, तुम्हारा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नाम है, उसे यूं खराब मत करो। ठीक। <ए? laughs>
बस एक बार मेरे हाथ से चढ़ा। कॉमेडी करता है।